मैं यहां से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं पंडित जी, आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, इट्स सच ए और ऑनर टू बी बहुत जॉइनिंग यू इन दिस। नाम किया और बहुत नाम करिए, बहुत नाम करेंगे आप। थैंक यू सो मच। प्रणाम्स टू यू। लेट्स स्टार्ट सेकंड थैंक यू चैप्टर थैंक ऑफ यू सो मच। लेट्स स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ फ्लूट सिंपोजियम इज ऑल अबाउट द मंथ्स First is second topic is Talbandi, third topic is world music fusion, and fourth topic is so today with Prasad ji, Chaurasia ji, mere Guruji. Guruji, हम लोग start करेंगे. हमने first chapter में कुछ हमने सवाल लोगों के आए थे, हम जवाब दे नहीं पाए थे. सो विल स्टार्ट विथ वन क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर वन. सो द क्वेश्चन इज, बांसुरी में स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग के लिए या स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए? एक तो अच्छा खाना पीना चाहिए, टाइमिंग बहुत चाहिए सोने का, रेस्ट लेने का, और दूसरा अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमको क्या खाना है, हम क्या खा सकते हैं, क्या हजम हो सकता है, क्या नहीं होता है, और शारीरिक थोड़ा सा कसरत करने से या कुछ योगा करने से, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है कि जो भी एक्सरसाइज वो जरूर करिए, और देखिए आपको बहुत अच्छा उसका आपका भी बहुत अच्छा दौड़ेगा संगीत के। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी और एक क्वेश्चन था जो पिछले एपिसोड में पूछा गया था, बांसुरी में आप कहते हैं हमेशा राग यमन और भैरवी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है? व्हाई राग यमन एंड भैरवी आर इम्पोर्टेंट फॉर फ्लूट आवाज प्रैक्टिस? थोड़ी बिखर रही है, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है? आवाज ओके, एक मिनट। मैं रिकॉर्डिंग का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। विवेक जी, आर यू शेयरिंग दिस ऑन फेसबुक? नो, नॉट राइट नाउ। ओह ओके, आई हैड इन्फॉर्म्ड दैट दे कुड वॉच इट लाइव बाय मिस्टेक मे बी। नो, एक्चुअली देयर इज सम टेक्निकल इशू, सो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट द टेक्निकल इशू। गुरुजी, मैं आपको फिर से पूछना चाहता हूँ सवाल, Why practicing raga yaman and bhairavi is important in Hindustani classical music? पंडित जी के वॉइस में क्रॉस दिख रहा है। गुरु जी, आपकी कुछ टेक्निकल इशू है, गुरु जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मैं कॉल करता हूं। हाँ, उसमें क्रॉस है सर, मैंने बात किया है। हाँ हाँ हर्ष, मैंने बात किया है उनसे, दिल हिल पे बैक। आई थिंक वो विनंदी इज चेकिंग। आई थिंक इफ पॉसिबल यू शुड शेयर दिस लाइव ऑन फेसबुक, बिकॉज़ I'd even 2 minutes ago made a
video saying that people can join in. Yeah, actually we are trying to do that, but today I think there is some technical issue at our end. We are not able to broadcast this on Facebook. So we are trying to find out the solution. Sure. Harsh is with us. Harsh, yeah, dekho yadi wo hum kar sakte hai to. Checking. Okay. Guruji, kya hum hame सुन पा रहे हैं आप? अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो गुरुजी, वी विल स्टार्ट विद वन क्वेश्चन दैट व्हाई रागा यमन एंड रागा भैरवी प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट इन हिंदुस्तानी क्लासिकल फ्लूट। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज द वे यू आर लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग एंड यू हैव टू प्ले ऑल द रागा डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल, तो उसके लिए आपको मेहनत करने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कोमल स्वर तो बहुत बाद में आते हैं और बहुत बाद में उंगली समझ जाती है, उंगली समझती है शुद्ध स्वरों में, तो शुद्ध स्वरों का पहले प्रैक्टिस करना चाहिए और अच्छी तरीके से साउंड हुक और थकान ना हो और फिंगर बराबर वर्क करती रहे। जब इसमें कॉन्फिडेंस हो जाए तो एक स्वर से आधा स्वर, मतलब एक स्वर को आधा स्वर मान के, जैसे कोमल दा है फिर कोमल सा कोमल नहीं है, फिर कोमल सा कोमल नहीं कोमल नहीं है, इस तरीके से बढ़ा कर प्रैक्टिस करते करते जब आपके अंगुली में थोड़ी ताकत हो जाए और संभाल सके तब आप पूरा स्केल भैरवी का बजा सकते हैं और स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करें ताकि उसका जो कोमल स्वर का जो सही माने कोमल स्वर आपको सुनाई पड़ना चाहिए आपके कान में, तो तानपुरा भी होना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे कि ये कोमल सही है, और जब तक कोमल सही नहीं होगा तब तक आपका फ्लूट भी ठीक नहीं, उसका साउंड भी ठीक नहीं रहेगा और उसका जो स्वर है वो भी ठीक नहीं सुनाई पड़ेगा। बहुत जरूरी है बिल्कुल। okay. आपको सुनाई, थैंक यू गुरुजी, ये तो बहुत ये हाँ गुरुजी सुनाई दे रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और हम सब लोग यमन की और भैरवी की प्रैक्टिस तो रोज करते ही है। और एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी इंसान बांसुरी पकड़ता है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, जो भी बांसुरी पकड़ता है वो बहुत जल्दी दौड़ना चाहता है, दूसरे वाद्य में नहीं दौड़ना चाहता, इस वाद्य को पकड़ने के बाद वो सोचता है कि अभी मैं जैसे सीढ़ी से कूद पड़ू चलाऊ ग्राउंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे पहुंच जाऊं, ऐसा नहीं होता है, ये वाद्य को ट्यून नहीं कर सकते, इसका मतलब ऐसा नहीं होता, आपको बहुत मेहनत करनी और खासकर कोमल नोट की, क्योंकि आपको तो 6 होल्स हैं, उसमें आपको 1.5 ऑक्टेव 2 ऑक्टेव बजाना है, वो भी कोमल और शुद्ध स्वर बजाना है, तो पहली जो प्रैक्टिस होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है और तभी लोग भाग दौड़ शुरू करते हैं, उसमें इधर भटक जाते हैं। वाह, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। मैं एक मिनट, शशांक जी हमारे साथ है, विद्वान शशांक सुब्रमण्यम जी इज रिनाउंड फ्लूटिस्ट फ्रॉम कर्नाटक म्यूजिक। शशांक भाई प्लीज यू वेलकम, से दैट इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, I'm just a student of music because when such great people are there, we are nothing. Absolutely. Yeah, that's true. Absolutely. Shashank bhai, in our first chapter, we discussed about the history, evolution of Carnatic flute also, but many of our listeners are attending this symposium first time. So if you explain or just recap about the journey of Carnatic flute, so it will be more helpful for those who are attending this symposium first time. Carnatic music is predominantly a vocal based system of music. And we do not have still something called a totally instrumental style
all the compositions that have been adopted are from the voice tradition, rich in lyrics and rich in content of music and rhythm. That is generally about Carnatic music and instruments. Back in late 1800s and early 1900s, flute and other instruments used to be predominantly accompanying a dance performance or a vocal performance. So it was the great Saraba Shastri, who was born in late 1800s, and he died pretty early, about 32 years of age. So he made a considerable effort in bringing flute to the mainstream performance stage as a solo instrument. And after him, there was Palladam Sanjeev Rao, who was also born in late 1800s and passed away in 1962. So he was one of the major instrumentalists of the south of India, who was in the same times as some of the great vocalists like GNB, Shamangudi, Madurai Mani, all the legends, pastime legends of Carnatic music. After that was T.R. Mahalingam, who just wholly refined the system of playing a flute. And then came Dr. N. Ramani, who was also a disciple of the great T.R. Mahalingam. Then my father's guru was a very, very well-known flute player, Dindigal S.P. Natarajan. And then there were also some of the other flutists like K.S. Gopalakrishnan, Sikhil sisters, the one of the few women who took up flute as an instrument. So this is the end. Then I've been playing flute since the mid-80s. So they all brought a lot of things onto the table, and we can speak about it in due course as we go. Yeah, sure. Shashankji, can I request if you play 1 or 2 minutes and please play a few things of any your favorite tune? Sure. I would like to play, with the permission of Guruji, Raga Kamboji. Oh, sorry, Raga Purvi Kalyani. This is a very similar to Puriya Kalyan, but the whole chalan is so different. So, this is a typical C flute that we use in Carnatic music. Ooh.
वाह वाह, इट्स अमेजिंग, वाह वाह वाह, वेरी गुड। हमारे साथ है पंडित रणु मजुमदार जी। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित रणु मजुमदार जी ने बचपन में ही पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा जी से ठुमरी की शिक्षा ली बनारस में। उसके पश्चात डॉक्टर भानु मजुमदार जी, जो कि एक रिनाउंड होम्योपैथी के डॉक्टर थे और पंडित पन्नालाल घोष जी के शिष्य भी थे, उनसे आपने बांसुरी का ज्ञान प्राप्त किया। पश्चात आपने पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले जी से आपने वोकल भी सीखा और उन्हीं के मार्गदर्शन से, उन्हीं के आज्ञा से आपने पंडित विजयराव राघवराव जी से ही गंडाबंधन किया और शिक्षा प्राप्त की। और 1981 में जब एशियाड में आपने पंडित रविशंकर जी के मार्गदर्शन में वहाँ वेलकम सॉन्ग में बजाया, उसके पश्चात आपको भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के सानिध्य में भी शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंडित जी, आप एक, आपका एक अलग सोच है, आपकी एक अलग देखने का नजरिया है, और बांसुरी में जब आप क्लासिकल सोलो आप जब बजाते हो तो आप ए स्केल की जो बेस की फ्लूट है वो आपने आपके प्रेजेंटेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है। और आपने क्लासिकल में ए बेस की फ्लूट को ये करना, मतलब उसके बजाना जो है वो प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाया और उसको पॉपुलराइज भी आपने किया है, तो उसके पीछे आपका विचार क्या था? आपको क्यों ऐसे लगा कि ए बेस की फ्लूट होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में? विवेक, आपको बहुत बहुत नमस्ते। पहले मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि पंडित जी के चरणों में बैठ के आज यहाँ से आशीर्वाद लेने का एक आपने अवसर प्रदान किया मुझे। तो मैं थैंक यू मैं आपको यहीं से प्रणाम। मैं तो गुरुकुल कई बार गया हूँ, मेरा घर ही है, मगर ये जो मेरे, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, कि वही बात शशांक भाई को भी लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि हम पंडित जी के चरणों में बैठ के क्या बात करें, हमें तो आशीर्वाद मिल रहा है। मैं ये सब म्यूजिक की बातें तो होती रहेंगी, मैं बहुत भाग्यशाली रहा क्योंकि पंडित जी के सानिध्य में मैंने इतना प्रेम पाया है कि आपसे पहले मैंने पाया है, तो ये आप जान लीजिए। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि दादा जरूर सीनियर हैं। नहीं, आप तो सीनियर है ही, और इसलिए तो मैं सोच में पड़ा हूँ क्योंकि आप सब लोग सीनियर है और साक्षात मेरे गुरुजी यहाँ पे बैठे, तो आप सोच सकते हैं, यू कैन इमेजिन हाउ मैं समझ सकता हूँ आपके आनंद में, मैं और उसी में सीमा। हाँ, एकदम सत्य बात है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं, जैसे आप जानते हैं कि मेरे पिताजी बहुत क्लोज पंडित जी से रहे और उनको दवाई देने खुद घर जाते थे। मैं जी, कुछ भावना की बातें, देखिए संगीत भाव प्रधान संगीत है, हमारा शब्द से पहले हमारा स्वर प्रधान और भाव प्रधान संगीत है। तो हमारा ये जो उत्तर भारतीय संगीत है इसमें भाव पहले आता है, शब्दों को भी भाव प्रदान करना पड़ता है। जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, तो ये इसको आप बजाएंगे तो पहले शब्द प्रधान, शब्द बाद में सुनेंगे भाव है कि नहीं। जानकी नाथ में तो भाव की बात यह है कि जब पिताजी जाते थे तो मैं पिताजी को बोलता था कि आप तो किसी के घर नहीं जाते, सावित्री में जाते थे पहले, तो गुरुकुल से पहले की बात है पंडित जी, बहुत पुरानी बातें मैं याद दिला रहा हूँ। तो पिताजी बोलते थे कि देखो वो बहुत व्यस्त हैं और मेरा कर्तव्य होता है कि मैं होम्योपैथिक दवाई देने पंडित जी को, मैं पंडित जय प्रसाद जी की बात कर रहा हूँ जो सामने आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, तो मैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं दवाई देने घर जाऊं। और जब पिताजी स्वर्गवासी हुए 2009 में, तो सुबह हम तो जो सबकी हालत होती है वही हमारी हालत थी, तो सबसे पहले फोन पंडित जी का आया। पंडित जी बोले कि रोनू अभी उदास होने का समय नहीं है, सब उदास होते हैं,
पिता का साया जब चला जाए, तुम्हें उनका स्वप्न पूरा करना है, मेहनत करना है। पिताजी हरदम कहते थे कि इसको, मैं तो फुल टाइम बांसुरी बजा नहीं पाया क्योंकि वो बहुत बड़े पेंटर थे, पंडित जी को याद होगा, वो बहुत संत, वैसे बड़ी बड़ी दाढ़ी है और उनकी बहुत संत जैसा ही जीवन उनका रहा। तो वो जो एक प्रेम हरदम, मेरे विवाह में पंडित जी को मैं कार्ड देने सावित्री में गया तो बोले ठीक है, लोग ऐसे कार्ड भेज दिया करते हैं, तुम खुद आए हो तो मैं जरूर आऊंगा। तो आपके गुरु माता जी को, भाभी जी को लेके पधारे और 2 घंटे तक बैठे रहे। तो ये जो प्रेम मिलता रहा तो हम इससे गंगा में नहाते रहे। और जो बांसुरी की जो सफर है वो मैं तो 6 साल की उम्र से पिताजी ने हाथ रखवाया था, चौकिया बजाते थे, बन्ना बाबू से थोड़ा सीखे भी थे। और लक्ष्मण प्रसाद जी जयपुर वाले जी के कहने से ही मैं पंडित विजय राघव राव जी के पास मैं गया। 76 में गिरधर प्रसाद जी ले गए और मेरा गंडा बंधन हुआ। तो उसके बाद मैं सीखता रहा और अभ्यास करता रहा, आज भी कर रहा हूं। जी मेरा सवाल ये था कि आपने जो ए बेस की जो फ्लूट है वो आपने एक पॉपुलर की है उसको क्लासिकल में बजाते समय, और क्या उसके पीछे कुछ स्टोरी है जो आपने ये किया उसका? ये स्टोरी मैंने कभी शेयर नहीं किया, आज मंडी जी के चरणों में शेयर कर रहा हूँ। वो हुआ यूं था कि हम लोग इंडिया फेस्टिवल का क्लोजिंग सेरेमनी मॉस्को में था और हम लोग जितने गुरु, वो तो वैसे मेरे दादा गुरु थे, मेरे मेन गुरु तो पंडित विजय राघव राव जी ही रहे, तो उनके ग्रुप में मैं बजाने लगा। 81 के बाद से उदय शंकर फेस्टिवल हो, पंडित जी भी एक दिन देखने आए थे, उदय शंकर फेस्टिवल की प्रैक्टिस चल रही थी वहां सिरी फोर्ड में, खैर साहब। तो ऐसे सफर चलते चलते जब हम 88 में गए तो वो सिखा रहे थे राग, मैं विवेक जी आपकी आवाज, जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। तो वो सिखा रहे थे एक राग, वो मैयर घराने का बड़ा खास राग है। तो माज खमाज में कुछ बातें जब वो लो ऑक्टेव में आलाप करते थे तो वो बहुत इंस्पायर लगा मुझे बीनकारी अंका। तो मैं, ये लोग सभी मेरे गुरु भाई लोग जो हैं, विश्वमोहन भट्ट जी ये लोग सब बजा रहे थे, पार्थो सारथी चौधरी और शुभेंद्र राव सभी, और मेरे से उतना बज नहीं रहा था। तो मैं इंडिया में जब वापस आया तो बहुत याद आती रही। तो मैं जानता था कि ए का बेस का फ्लूट तो पहले भी था, पन्ना बाबू भी बजाए, मैंने पंडित जी को भी बजाया। मुझे एक मेरा पंडित जी का एक बहुत पुराना शिष्य, मेरा गहरा दोस्त था, उसका नाम था रमाकांत पाटिल। तो वो मुझे बिरला मातेश्वरी हॉल में पंडित जी का प्रोग्राम सुनने ले गया, मेरे ख्याल में 1982 या 83 होगा। तो उन दिनों ये नेहरू सेंटर वगैरह इतना ज्यादा प्रोग्राम बिरला मातेश्वरी और पाटकर हॉल में होते थे वहां पे। तो मैंने देखा पंडित जी भी बजाते थे लोक का फ्लूट, तो ये तो था ही, मगर मुझे उसमें थोड़ा रुद्र वीणा के जैसा काम करना था। तो एक हमारे गुरु भाई थे एम एम पई, वो कैंसर से गुजर गए, तो उनके पास मैं चला गया और मैंने कहा कि ये बांसुरी को ठीक से आप बना दीजिए ताकि मेरे फिंगर में बैठ जाए। और मैं रुद्र वीणा का जो इफेक्ट लो ऑक्टेव में पंडित रविशंकर जी लाते थे, तो वो माझ खमाज का जो एक आत्मा होता है मैहर का, जो एक खास तरह का जो अली खान साहब रविशंकर जी, तो वो अंदाज में मैंने आलाप करने का प्रयास उस दिन से बहुत बढ़ गया। तो वो बढ़ते 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 वो जो बीनकारी अंक का आलाप है वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। इस तरह से ऐसे ही नाम देने के लिए किसी ने पूछा इसमें शंख कहाँ है, मैंने कहा शंख कुछ नहीं है। मैं पूछने जा रहा था आपको कि वो शंख नाम कहाँ से आया। शंख तो बस उसका जो पहला फूक था, वो नर शंख जो बड़ा वाला होता है उसके जैसी ध्वनि लगी, देखिए। तो उसको मैंने एक नाम बस उसको दिया कि चलो इस बांसुरी का डिस्टिंग्विश नाम दे दिया जाए। ये जो बीनकारी अंक था, तो मैं अगर आज्ञा हो पंडित जी की तो मैं थोड़ी देर के लिए
बस माच खमाच की थोड़ी प्रस्तुति करूं। प्लीज प्लीज बजाइए। जी जी आज आप लोग ये जो भाग्य है एक मैं कहना चाहता हूं कि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा कर ही सब कोई, तुलसीदास जी कहते थे। मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जहां पर कृपा गुरु की हुई ता पर कृपा कर ही सब कोई। तो विवेक आप सुनिए, आपको बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर गुरु की कृपा है तो आप पे सबकी कृपा होती रहेगी। तो थैंक यू। निर्मल मन जन सोई मोहे भावे, मोहे कपट छल छिद्र न भावे। तो ये जो निर्मल मन गुरु जी का है, आप शायद पूछे ना पूछे, खैर मैं बजा लेता हूँ, आप भावुक होने से हम बजा ही नहीं पाएंगे। तो ये भावना का चीज है। तो जो मैहर का की जो आत्मा है वो थोड़ा सा मैं माज खमाज में प्रस्तुत कर रहा हूं। तानपुरा लाउड तो नहीं है? नहीं नहीं एकदम परफेक्ट है। नादंकाल आप देखिए। हम कुछ सवाल पूछते हैं हमारे लिसनर्स को। सो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर लिसनर्स, हैव यू हर्ड फ्लूट जुगलबंदी? सो द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू गिव आंसर इन येस और नो। सो वी विल टेक पोल एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स वी विल गेट रिजल्ट एंड
उसके बाद हम उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। मैं गुरुजी आपके पास आना चाहता हूँ, जुगलबंदी के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो जुगलबंदी आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ जुगलबंदी की है, जैसे कि बाल मुरली कृष्णन जी, किशोर तयामणकर जी, पंडित जसराज जी, लालगुड़ी जयराम जी और बहुत सारे जो हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक के जो भी लेजेंड्स हैं, इन सबके साथ आपने बहुत सारी जुगलबंदी की है। तो जुगलबंदी करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या एग्रेशन के बारे में आपको कुछ वहां कहेंगे, या आपकी जो विचारधारा कैसी होती है? क्योंकि आप जब किशोरीता यमुनकर जी के साथ बजाते हैं वो अलग होता है, पंडित जसराज जी के साथ बजाते हो आप अलग होता है, और कर्नाटिक वोकलिस्ट के साथ थोड़ा अलग है, और आपकी जो जुगलबंदी बहुत जो पॉपुलर वो है शिव हरि, मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा जी के संगत में आप जो जुगलबंदी करते हो, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के संगत में, गायन के संगत में आपकी सोच क्या होती है, या जो भी हम लिसनर्स हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जुगलबंदी बजाते समय क्या ध्यान रखना है? पहले तो जुगलबंदी बजाने के पहले आपका मन, जिस कलाकार के साथ में आप बैठने वाले हैं, मन और उनका संगीत, उनकी सोच बहुत मिलना जुलना चाहिए। हम जो चीज, हमारी नजर जो देख रही है वही उनकी नजर को वही पहचान कर रही है, और दोनों को एक ही कलर लग रहा है। ये नहीं कि उनको काला दिखाई पड़ रहा, हमको सफेद दिखाई पड़ रहा। वाह वाह। एक को समझने के लिए हमको, अगर फ्रांस में जाना है तो हमको फ्रेंच सीख के जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उनसे घुल मिल लेंगे तो शब्द हमारे कान में पहुंच जाते हैं, क्या कह रहे हैं, भूख लगी है या इनको पानी चाहिए, या हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको फ्रेंच नहीं आती, लेकिन हम उनसे इतना घुल मिल जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, या उनको कुछ सुनना है, या उनको बजाना है, तो हम सब जब देखते हैं तो हमारा मन ऐसा मिल जाता है कि कभी चलो बैठे, इनका रिकॉर्ड सुना सब बहुत अच्छा लगा था, चले इनके बैठ के कुछ सीखें, कुछ समझें इनके विचार को, क्योंकि ये लोग बेचारे, इनका तो साह होता नहीं है, तो क्या करते हैं बिना साह के? हम लोग बिना साह के तो आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन ये बिना साह के क्या करते हैं? और फिर जो करते हैं क्या सोचते हैं, हमारे उस सोच में क्या कमी है, हम क्यों नहीं सोचते, ये सब बात समझ के फिर हम बैठते हैं। जो विदेशी लोग हैं उनकी बात में, और जो हमारे देश के लोग हैं उनके साथ में और बहुत सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा ही सोचना पड़ता है, कि पहले तो हमारा उनका विचार ठीक है, उसके बाद हम लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के गाने बजाने को फॉलो करते हैं, उनका वाद्य हमारे वाद तक दोनों मिलके कैसे होंगे, हम दोनों तो ठीक है लेकिन बाद में क्या हालत होगी, वो भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना, जैसे एक लड़की की शादी करनी हो तो लड़की ये हमारी है और जो जुगलबंदी करने वाला लड़का उनका हो, तो उनके बहुत हम बहुत खबर लेते हैं गाने बजाने के साथ। जब इतना सब स्टडी हो जाता है तो थोड़ी देर स्टेज पे आके मिल लिए तो जरूर लोगों को अच्छा लगेगा कि इनके विचार कितने अच्छे मिलते हैं, कितना अच्छा मिलता है। अगर हम सेम वाद्य बजाएं बांसुरी के साथ बांसुरी, तो हो सकता है कि थोड़े से विचार में फर्क आए, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाए कि ये फास्ट तान में इसकी डबल फास्ट तान बजाऊं, लेकिन हमारा वाद्य भी एक नहीं होता और हमारा सोचने की वो जरूरत भी नहीं होती। तो बहुत जरूरी होता है कि ये नेचर के कैसे हैं, क्या हमसे मिल सके, क्या हमसे दो मीठी बात कर सकेंगे, बस ये सोच के हम सोच के भी स्टेज पे जाते हैं। और फिर वहाँ लोगों का एक देखो, ये बहुत जरूरी है कि लोग हमको अपनाते हैं कि हम दोनों तो निकल गए कहीं भी बैठ गए, चाहे विदेश में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे कहीं भी, लेकिन लोगों की क्या तो हम वो भी देखते हैं कि उनको अच्छा लगा कि हम जबरदस्ती बजाते जा रहे हैं, वो हमको पटक रहे हैं स्टेज पे, मैं उनको पटक रहा हूँ और चढ़ के चिल्लारों में जी दिया, तो ऐसा नहीं, लोगों के दिल को छूना चाहिए और दोनों वाद एक साथ ऐसा साउंड करना चाहिए कि लगे कि हाँ कुछ नया साउंड, ये सबका ख्याल रखना।
तो इसका मतलब गुरुजी, ये जो आर्टिस्ट जो आपके साथ जुगलबंदी कर रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को फिर वो स्वर जो फ्रेजेस है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाए, और मन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वहां पर कुश्ती लड़ने जा रहे हैं या भावना है कुश्ती लड़ने की, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हम स्वर के द्वारा हम दोनों दूसरों को बता रहे कि हमारा प्रेम कितना, हम कितने करीब हैं और हम कैसे सूर्य की पूजा करते हैं। ये लोगों को भी ये भावना देनी चाहिए। जी, जैसे आप और पंडित शिव कुमार शर्मा जी की बहुत सारे जुगलबंदी के कॉन्सर्ट हमने देखे हैं या सुनते भी हैं, तो ऐसे लगता है वाद्य दो अलग चल रहे हैं लेकिन विचार एक ही चल रहा है। बस बस ये बात, और यही यही करना जो है वो बहुत मुश्किल मुश्किल लगता है। पहले तो आप भाग्यवान होने चाहिए कि आपको ऐसा कंपनी मिले, ऐसे लोग मिले, और ऐसा क्या कहना चाहिए वातावरण मिले, है जी, ना जी। तो ये बड़ा मुश्किल है। अब हम तो कहीं विदेश में भी गए तो किसी के साथ ही बैठ जाते हैं, जान न पहचान बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद हमको क्या कर रहे हैं ये भी तो बहुत जरूरी है ना। वो सोचेंगे क्या डंडा लेके आए हैं मारने के लिए, आए क्या करेंगे दूसरा कोई बेचारा गिटार वाला, तो उसको पहले से सजाना पड़ता है कि हम जाएंगे तो पहले ही नोट लगाएंगे, सब कहेंगे वाह अच्छा लगा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ बैठना, उनको जानना, तभी जाकर हम जगह जुगलबंदी करना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं करना। मैंने तो साउथ में भी बहुत सारे लोगों के साथ में, सभी लोग बोलते थे मैं आपके साथ बजाऊंगा, मैं आपके साथ बजाऊंगा। तो मैंने टी एन कृष्णन है, बाल मुरली कृष्ण जी है, और भी जो दूसरे वायलिन वाले थे, क्या नाम लिया आपने, बहुत टी एन कृष्णन नहीं टी एन, और लाल गुडी जयराम जी कमाल है। तो सबके साथ में बैठ के अच्छी तरीके से बातचीत करके, बड़े विद्वान लोग, और कभी ऐसा नहीं कहा कि हार भी होके कि नहीं साहब आप बंद कर दिए मैं बजाता हूँ। शिवरमन ये लोग सब, हम लोग बहुत गाना बजाना है, और यही नहीं विदेश में भी जॉर्ज हैरिसन हुआ या बिली प्रिस्टन हुआ या टॉम स्कॉट हुआ या जिम हॉन हुआ या जो अभी हम लोग क्या नाम उसका जॉन मैकलफ्लिन उनके साथ हमने रिकॉर्ड बनाया, वो तो बहुत ही पॉपुलर हुआ मेकिंग म्यूजिक। मैं गुरुजी वो मेकिंग म्यूजिक के बारे में हमें और भी कुछ डिटेल बात करनी है, क्योंकि आपने कुछ प्रयोग किए थे कि जिससे छोटे बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रयोग किए गए थे। जैसे आपने वो मैं क्या करता था कि मुझे अच्छा लगता था कि अच्छे जो लोग हैं गाने बजाने वाले उनसे मिलूं, लेकिन हम स्टूडियो में काम करते थे, आते आते 12-1 बज जाते थे रात को जी। कोई म्यूजिक डायरेक्टर कभी टाइम पे नहीं छोड़ते थे, तो वो सोचते थे कि जाने के पहले एक और पीस ले लें ताकि कल नहीं इनको बुलाना पड़े। तो रात को 11-12 बज जाते थे, मेरी वाइफ बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या इतना लेट काम करते हैं, हम भी भूखे बैठे हैं, बच्चे भी भूखे बैठे। एनीवे तो मेरी खोज यही रहती थी कोई अच्छा कोई कलाकार हो, कोई अच्छा हमको थोड़ा सा उससे सीखने को मिले या हम दोनों कुछ करें। तो मेरे ख्याल में आता के लिए कुछ म्यूजिक बनाना था, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत पहले की बात है। तो अमरीश नाम दिया था, ने रखा था अच्छा उसका नाम, हाँ उसका और बच्चा जर्मनी का लड़का है। तो हम लोग क्या करें, वो लेके कीबोर्ड लेके बैठा रहे और कुछ रिकॉर्ड कर ले पहले से, और मुझे जैसे ही मैं आऊँ वहाँ में थोड़ा सा कुछ खा कर अपने बेडरूम में चला जाऊँ ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं, लाइट सब बंद कर दो, खाली बेडरूम में छोटा सा लाइट जला के रखो और 1-1.5 घंटे में सुन के फिर उसको मैं रिकॉर्ड कर दूँ, ऊपर को जब कर दूँ, और इतना अच्छा लगे वो कि मुझे भी अच्छा लगने लगा। मैंने कहा वाह, कहीं रिदम है, कहीं कुछ पियानो है, कहीं कुछ 12 स्ट्रिंग है, कहीं ऐसा कहीं खाली है एकदम बजा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं बहुत सारे करीब 50 कैसेट की अलग अलग नाम से, नाउ हियर, आउट ऑफ द ब्लू, मेडिटेटिव रोमांस,
बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए जब सुबह स्कूल जाएंगे तो गुरु जी वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सारों के लिए वो एक रेफरेंस है। आज वो हम सब लोग सुनते हैं और हमें उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी हाँ जी, तो वो सिर्फ वो बेचारा रिकॉर्ड करके रखता था और मैं मुँह हाथ धो के थोड़ा सा खाना वाना खा के बैठ गया, एक डेढ़ घंटे में उसको विदा कर देता और जाके दूसरे दिन मिक्स करके और वो लाके मुझे सुनाता। ये मैंने सुना है गुरुजी, आपने रात को दो दो तीन तीन बजे भी आपने वो रिकॉर्ड किया है। करना ही पड़ेगा और टाइम नहीं था ना, क्योंकि हम संडे में भी रिकॉर्डिंग कर लेते थे इधर उधर। मैं उस समय में जरा ज्यादा ही होता था, अब रात भर बैकग्राउंड चलते थे, पूना से म्यूजिशियंस आते थे, पूना से म्यूजिक डायरेक्टर आते थे, हम लोग बॉम्बे लैबोरेटरी दादर में पोर्तुगीज चर्च के पास, वहाँ रात भर हम बंद रहते थे। लेकिन जिस दिन मौका मिले उस दिन अमरीश के साथ बैठे ये काम करते थे। हमारी वाइफ से कोई पूछता था हरी जी हैं क्या, तो आप बेचारी आकर चप्पल देखती थी मेरा, क्योंकि मैं एक माला ऊपर में बैठता था, तो आते चप्पल देखते थे, चप्पल है तो बोलते हाँ सोए हो, फिर देखते थे नहीं है तो बोला नहीं है, वो ऐसा होता। लेकिन ये बड़े भाग्य की बात है, ये भी बड़े भाग की बात है, वो कैसे बड़े पॉपुलर हुए और बहुत बिकने लगे, बहुत ही बिकने लगे। मैं क्या नहीं, वो बहुत रिकॉर्ड ब्रेक उनका सेल हुआ है और पूरे भारत में, भारत के बाहर पूरे विदेशों में भी बहुत उसको सराहना हुई उस एल्बम की, और अभी भी लोगों को बहुत पसंद है। गुरुजी हमने मैंने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था जुगलबंदी के बारे में, तो हमारा पोल सामने आ गया है, तो 70% लोगों का कहना है यस, उन्होंने अटेंड किया है जुगलबंदी परफॉर्मेंस, फ्लूट जुगलबंदी, एंड 30% लोग कह रहे कि उन्होंने अभी तक जुगलबंदी कॉन्सर्ट अटेंड नहीं की है। सो बहुत अच्छी जानकारी। मैं शशांक जी, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट जुगलबंदी, बिकॉज यू हैव डन मेनी कॉन्सर्ट, यू प्लेड जुगलबंदी विथ हिंदुस्तानी फ्लूट एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ हिंदुस्तानी इवन इन कर्नाटक। सो देयर इज वन थिंग आई वांट टू ऐड, सो आई हैव सीन दैट योर एग्रेशन इन योर प्लेइंग, सो व्हाट इज योर ओपिनियन about this aggression in your playing or in Indian classical music, and what is your thought process about the jugalbandi? Jugalbandi is Guruji has already explained so much about jugalbandi so beautifully that to me jugalbandi is a conversation wherein if we have a mutual respect for the music and the artist between, and the sensitivity to understand each other and not treat it as a competition or who is better or who is best, so that's when jugalbandis can really happen. So I firmly believe that jugalbandis won't happen if we do not set aside who we are or why we are there. All that matters is why we are there and meaningfully have a dialogue. So yeah. I've been very fortunate in my life to share the stage with some of the greatest legends like Ustad Sultan Khan Saab, Zakir Ji, some of the great sitar maestros like Shahid Ji, Shuja Ji, so many. And you played jugalbandi with Ronu Ji himself. I've done jugalbandi with Rakesh Ji. Yeah. Can you hear me? Hello. Yes. Yeah. Vivek Ji, I lost you. Vivek is not there. I'll just check with sir and I'll be back in a minute. Sure. Sorry, there was some network issue.
So, Jugalbandis, I have always approached it from the point of view of understanding their music, the other artists' sensitivities. There are some funny situations where even non-musical sensitivities have to be taken into account, so as to not offend anyone, so as to not spoil their mood. So it's a Jugalbandi is a process. So I've thoroughly enjoyed performing Jugalbandis, and it is more about giving space for each other and having that conversation like a dialogue. It is not repeating oneself. It is about continuing one another's thoughts. So if I hear my Jugalbandi partner, I should continue his thoughts and bring it into my thoughts, and then he should continue. That is my opinion about it, my humble opinion about it. And that's how I've always approached Jugalbandis. And your question of aggression. I won't call it aggression like that. See, in Carnatic music, we have always believed as Navarasas. So the Navarasas have all aspects to it. So if I may be allowed to demonstrate one aspect of it. Yeah, please. So we have always looked at flute as an instrument merely that is presenting the music. It's a medium. So many times, if you... This is a rag known as Vagadishwari. So there are some phrases which can come across as aggressive, like what? Yeah, it could what? Be with an angry mood that you could present this. I mean, it may be, and then the aggression can also be rhythmic. When you are playing different nadais in Carnatic music, it's one speciality where we specialize also in playing different rhythm aspects. So just to play a Khanda nadai, which is 5. Kind of expression is a part and parcel of Carnatic music. Yeah. So, and we always consider the concert as a journey which has all elements to it. Super. Thank you. Wow. I want to ask you one thing. So, how you produce? Can you hear me, Shashank bhai? Yes, please. Yes. So can you please
demonstrate us how you produce gamak and meen and birka. These are the different techniques of Carnatic flute. And one more thing, I want to add that the clawbird fingering and what is parallel and L-shaped fingering in Carnatic music. Yeah. In the history of flute in Carnatic music, I should add one more thing, because the venues were mostly in temples and mic-less environments. Older generation of artists, they chose very short, small flutes that were in the scale of G or A. So the sharpness of the tone could reach you know, quite far, being a mic-less concert. And if you hear most of them, up to T.R. Mahalingam, the great legend of the flute, he played music on a G flute, and he also spaced out his music so that the effective communication of the gamakas and the vocalized phrases came through beautifully, because there is a chance that a G flute, when you play, the sound can get a little clobbered and, you know, mixed up. So further on, musicians have used D sharp, I have used C, and now I have even come down to A and F sharp bass. So, but all these gamakas were something that I learned vocally. So, because it is part and parcel of Carnatic music. So, I'll continue with this raga itself, Vagalishwari. Yes. This is a very typical Carnatic phrase. Yes. In this, in Carnatic music, we also use the Gandhar, which is all open, also as a Shuddha Madhyam, like. Wow. So this. In Carnatic flute, gamma transition, ga to ma transition is difficult. Because we use two holes as a sa, as against as a sa. So the two holes covered as a sa. But in case of Shuddha Madhyam, we have this option of. So that one option we certainly have. So the gamakas, minute gamakas, like you know, gamakas that we play. What I call it as a claw shaped is, this is the one advantage that we have as a eight. Can use we get extra note, and also this all because of the demands of the music system in general, that, you know, flute is adopted a 8-hole. So, What?
So these are this is what I call claw fingering. Interesting. Wow. So, this is fantastic. Thank you very much. I want to take thank you, Shashank ji. I want to take second poll. I want to ask question to all listener. Do you enjoy fusion music or Indian classical music? Aapko fusion music ya Indian classical suna pasand hai? Aapko jawab dena hai yes, no or both. Fusion classical or बोथ ही आपको जवाब देना है. मैं गुरुजी और रोनुदा आपके पास आऊंगा. थोड़ा क्वेश्चन है हमारा फिल्मी संगीत के बारे में. फिल्म म्यूजिक में गुरुजी आपने बहुत सारे फिल्मों में बांसुरी वादन किया है. रोनुदा आपने भी बहुत सारे फिल्मों में बांसुरी वादन. एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस. वेयर इज माय स्क्रीन? या रोनुदा आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी आई. थैंक यू. या रोनुदा, मेरा सवाल है आपको. आपने फिल्म म्यूजिक में आपने बहुत सारा फिल्मों में म्यूजिक बजाया हुआ है, तो क्लासिकल म्यूजिक बजाते समय हमारे पास एक घंटा दो घंटा से बहुत सारा समय होता है, और लाइट म्यूजिक में हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय होता है, उसी 10 सेकंड में आपको कुछ करना होता है. तो उसका कुछ टेक्निक है कि लाइट म्यूजिक के लिए ये प्रैक्टिस करनी है, ऐसे कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस होती है लाइट म्यूजिक के लिए? साउंड ठीक है? बहुत अच्छा. अभी मैं इस पे आऊंगा. मुझे थोड़ा जुगलबंदी में बोलना है अगर आप मौका दें. जुगलबंदी जैसे पर, नहीं 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 और दस्तूर भी है जी. तो ये पंडित जी बैठे, उन्होंने सब कुछ कहा. शशांक भाई has said everything. And yes, absolutely. Jugalbandi is oneness of mind. As we say, ekatman. Ek atma, ek man. And off the stage, friendship is so important. When me and Shashank bhai played first time in 2008, together till that time, I had never played with any flute. And Shashank bhai has never played with any flute. Absolutely. And yeah, later on, many younger flute players came to his life who came after me. But that time he has never played with और मैंने भी किसी के साथ बजाया नहीं था. तो मुझे एक चीज में हम लोग सोच में पड़ गए. बाद में तो last 5 years में वो राकेश के साथ भी बजाए, गोलखंडी भी आया, ये सब हुआ. मगर राकेश भाई और हम ये शशांक भाई और हम बोले तो बजाए किस पे? तो उनका सोलो ये बहुत सेक्रीफाइस भी करना चाहिए. और जुगलबंदी में जो जो आता है सब दिखाना की आवश्यकता नहीं है. जो मिल के आए एक तस्वीर बने वही संगीत. वन पिक्चर. हाँ. सो व्हाट वी डिड, आई वाज नॉट ट्रैवलिंग विद डी एंड ही डिमांडेड डी. आई सेड शशांक भाई आई एम ट्रैवलिंग विद ई ओनली बिकॉज़ वी प्ले ई. सो ही सेड रोनुदा इट विल बी वेरी श्रिल बिकॉज आवर एज यू नो द कर्नाटिक रे इज एसा इज दिस. तो ये जो मामला है, तो ही सैक्रिफाइस सो मच एंड ही प्लेड द स्मॉलर वन व्हिच इज डी एक्चुअली टू अस एंड द होल टूर. एटलीस्ट वी हैड रामदास जी, सो एटलीस्ट वी हैड 4 to 5 कॉन्सर्ट इन दैट टूर एंड अदर्स वेयर ही सोलो एंड माय सोलो. बट सो ही सैक्रिफाइस्ड एंड सेम थिंग हैपेंड विद कदरी अन्ना एंड कदरी गोपाल नाथ जी चले गए भगवान के पास. कदरी कदरीनाथ जी और बहुत सारे तरुण भट्टाचार्य जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी और ऐसे बहुत सारे दिग्गज कलाकारों के साथ आपने डी के साथ डी बहुत बजाया. मैंने बाल मुरली जी के साथ सी शार्प बेस में आई प्लेड. बॉम्बे जयश्री एस सांग इन ए विथ मी, दैट इज दिस वन.
तो इसमें मजे की बात यह है कि एज बिगिनिंग इटसेल्फ पंडित जी सेड दैट वो हम स्टेज में कुश्ती लड़ने तो जा नहीं रहे, तो हम वो प्रेम वी आर गोइंग टू शो आवर लव एंड दैट वाज सो हिलेरियस एंड बिगिनिंग इटसेल्फ ही गेव द मैसेज. आई जस्ट ऐड लिटिल बिट. सो व्हाट वी डू वंस आई टेल यू समथिंग. आई वाज प्लेइंग विद वीना शास्त्र बुद्धे जी इन पुणे, माय फर्स्ट जुगलबंदी कॉन्सर्ट. एंड आफ्टर द कॉन्सर्ट शी सेड, अरे तुमने तो वो सपाट जो बजाते हो छंद का पावा का रेखा बना दीजिए, नहीं था नहीं था माता पावा का रेखा नहीं, ये सब तुमने बजाया नहीं. मैं तो वेट कर रही थी. मैंने बोला कि मैं इसीलिए नहीं बजाया क्योंकि आप गाती नहीं है ये सब चीज, वो पटियाला का है सपाट और वो सब, तो मैं क्या प्रूफ करने के लिए थोड़ा ही आया हूँ. मैं तो वो करने आया हूँ कि मैं दीदी के साथ बजा रहा हूँ और मैं एक पिक्चर खड़ा करूँ. तो बहुत आशीर्वाद दी. तो जो गुरुजी कह रहे हैं शुरू में वो बात एकदम संगीत जी का बात खड़ा कर तो समझना और प्रेम करना को समझना. हाँ. जी और आर्टिस्ट को समझना, वो एक मित्रता हो वो बहुत जरूरी है, प्रेम करना बहुत जरूरी है. डिड यू रिहर्स द जुगलबंदी? आई सेड नो, वी डिडंट रिहर्स द म्यूजिक, बट व्हाट वी रिहर्स, वी हैड कॉफी टुगेदर इन द बैक स्टेज एंड वी आर लाफिंग सो दैट वी कैन प्ले बेटर ऑन द स्टेज. सो आई वाज जस्ट यू नो दिस वाज अ लिटिल बिट. सो नाउ आई विल कम बैक. आई टुक लिटिल एक्स्ट्रा टाइम, आई एम सॉरी, बिकॉज़ आई वाज रियली जुगलबंदी दादा आपका. So it's my 50 years of journey. So film line, yes. नहीं, आपका ये एक्सपीरियंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए. और आपने जो फिल्म लाइन में भी आपने बहुत सारा संगीत दिया है, संगीत बहुत सारे फिल्मों के लिए आपने बजाया है, और आप और गुरुजी भी साथ में आपने कुछ फिल्मों में बजाया है ऐसे कुछ. हाँ गुरुजी है, गुरुजी है. मैंने सोचा पंडित जी का थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए. अच्छा नहीं वो ऑन हो गया वीडियो फिर से. हाँ नहीं वो फिल्म लाइन जो है मैंने तो कभी ऐसे सोचा नहीं था कि फिल्म में बजाऊंगा. मैं जब ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में 81 में ऐसे ही फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था, तो उसमें रविंद्र जैन साहब और उसमें दुखीना मोहन टैगोर जो तारशा नहीं बजाते थे वो आए थे, और पंडित जी बहुत बिजी हुआ करते थे, तो पंचमदा के वहां फ्लूट की बहुत आवश्यकता थी, तो मुझे स्टूडियोज में ले गए टैगोर साहब. तो तब से मैं बजाने लगा और बहुत अनुभव. उसके पहले मैं सर्विस करता था चंदन स्टूडियो में मंथली बेसिस पे. सो आई यूज्ड टू गेट 1,000 rupees फॉर वन मंथ. 30 कैसेट वाज ए वी हैड टू प्रोड्यूस, देन ओनली आई वुड गेट 1,000 rupees एट द एंड इन 1980. सो आई वाज. अच्छा एक चीज मैं कहूंगा कि पंडित जी के साथ भी बजाने का मुझे अवसर मिला है कुछ फिल्मों में, उनका आशीर्वाद जी. वाह वो क्या अनुभव था और कुछ इसका उसके बारे में थोड़ा मेमोरी क्या है वो बताएंगे, क्योंकि गुरुजी भी यहाँ पे हैं. ऐसा मौका बहुत भाग्यवान को मिलता है. अच्छा जैसे आप जानते हैं कि गुरुजी तो थे ही और वो बहुत बिजी थे, तो कभी कभी वो प्रोग्राम से वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट स्टूडियो आते थे. अभी अभी पिछले सप्ताह बंसाली बाबा गुजर गए, तो फेमस तारदेव में उस जमाने में 80s में तो बंसाली बाबा रिकॉर्डिंग, तो पंडित मुझे लगता है रिकॉर्डिंग एक उड़िया गाने का था, आइदर इट वॉज भुवनेश्वर मिश्रा और अक्षय मानती ना पंडित जी के पार्टनर ही थे वो, तब उड़िया उड़ीसा से आए थे. तो दैट सॉन्ग वाज गेटिंग रिकॉर्डेड इन फेमस तारदेव इन 1980s. सो आई वाज ट्राइंग टू यू नो आई वाज कॉल्ड एज ए यू नो आई वाज प्लेइंग फुल टाइम स्टूडियो म्यूजिशियन. सो पंडित जी केम डायरेक्ट टू द स्टूडियो, तो पहले मुझे आके पूछा, उनको याद होगा कि तुमने नोटेशन सब लिख के रखा है. मैंने कहा रखा है, तो क्योंकि मैं भी लेफ्ट साइड में फ्लूट लेता हूँ, पंडित जी भी ऐसे लेते हैं, तो उस जमाने में सब कुछ लाइव होता था. तो मुश्किल ये था कि
डायरेक्ट अभी तो फैशन ऐसा हो गया कि अरे फूक का ही आवाज चाहिए, बट पर्पसली दे वांट द ब्लोइंग साउंड इन द रिकॉर्डिंग, फूक फूक उस टाइप का डिमांड होता है. पर तभी क्या होता था, सब लोग हम लोग फिंगर का पोजीशन माइक के सामने पसंद करते थे, क्लीन साउंड आए, मतलब यहाँ पे माइक्रोफोन हो. अब माइक्रोफोन एक ही होता था वुडविंड सेक्शन में, तो पंडित जी का इतना प्यार सब पे होता है. अगर आप पूछे कि मैं पंडित जी को कैसे देखता हूं, तो ये देखिए, तो उन्होंने पूछा कि तुम भी लेफ्ट की तरफ लेते हो, तो ये पोजीशन तुम ले लो, मैं एडजस्ट कर लूंगा. तो मैंने वो जो पोजीशन बंसाली बाबा की होती थी, एक माइक फिक्स रहता था हमारा वहां, तो वो पोजीशन पंडित जी ने मुझे दे दिया और उस तरफ से आके खुद एडजस्ट करके हमने हाई लो करके बजाया. तो हर पल सीखते थे, और जैसे वो गाना एलपी के वहां भी हम कभी कभी चले जाते थे, तो वो जो गाना पंडित जी का एक सोलो हम लोग भी साथ में बजा रहे थे, मैं, सुरेश यादव, मनोरिदा, शायद उस रिकॉर्डिंग में मनोरिदा नहीं थे हम लोग, बर्वे जी एक थे, सीधी फ्लूट बजाते थे, और बहुत पुराना जमाना मैं कह रहा हूँ. पंडित जी के बॉक्स भी कभी कभी घर से सावित्री से हम लोग खारडांडा में कभी प्रवीण जी के वहां चले जाते थे, पंडित जी के वहां चले जाते थे. जी. तो वो जो पीस था, तो वो जो पीस मेरे ख्याल में मेघारे मेघा का होगा, तो उसमें देखने की बात ये थी, हम लोग क्रॉस हो रहा है ये सब बोलते हैं, मगर उसमें कैसी मिठास उन्होंने लाइव में, एक सेकंड पंडित जी का पीस ही बजा के सुना रहा हूँ. जी आप सुनाइए, हमें बहुत अच्छा लगा लगेगा. मैं कितनी आत्मा है आप देखिए, तो हैरान हो जाते थे. और मैं एक चोरी भी मैंने की थी, वो भी कह देता हूँ, पंडित जी को मालूम नहीं होगा. वो थोड़ा सा बाथरूम गए थे, तो मुझे शौक हुआ कि मैं इनका फ्लूट थोड़ा, इतनी मीठी आवाज कैसे आती, तो मैंने बजा के चोरी से जरा बजा के देखा था. आज पहली बार किसी लाइव स्ट्रीम में तो उसको मैंने देखा कि हाँ, इस फ्लूट में कुछ ना कुछ सिद्धि है, तो इसको जरा बजा के देखा जाए. ऐसे बहुत सारे किस्से हैं. वाह, थैंक यू दादा. हमने अभी एक पोल लिया था जिसमें कि फ्यूजन के में हमने पूछा था, तो 56% लोगों ने कहा है कि 56% पीपल लाइक फ्यूजन एंड क्लासिकल, 39% पीपल ओनली क्लासिकल, एंड 4.5% ओनली फ्यूजन. तो ब्री, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. आपने बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट म्यूजिक किया हुआ है, फ्यूजन म्यूजिक किया है, और दुनिया भर के जो ग्रेट आर्टिस्ट है, जैसे आपने जॉर्ज हैरिसन हुए बीटल्स की, उस जॉन मैकलफ्लिन, पंडित रविशंकर जी, तो भारत और भारत के बाहर के बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट, उनके साथ में आपने काम किया है. तो फ्यूजन के बारे में एक कहा जाता है आज के डेट में कि फ्यूजन से क्लासिकल जो है वो कम हो रहा है, फ्यूजन को ज्यादा लोग चाहने लगे हैं, तो इज दैट ट्रू? किसी चीज से अगर अच्छी चीज हो, चाहे सुनने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे देखने की हो, किसी चीज से कुछ कमजोर नहीं होती, और उसका नाम भी कोई बिगाड़ नहीं सकता. ये हमेशा समझ के रखिएगा, अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं तो उसको और कैसे सजाना चाहिए. हमारे घर में मेरा बच्चा, उसको किस तरीके से हम उसको सजा के अपने साथ में ले जाए, लोग देखें मोहल्ले में कितना प्यार करते हैं बच्चे. इस तरीके से म्यूजिक को भी अगर हम प्यार करेंगे, और तो हम जिस देश में भी जाएंगे, जिस शहर में भी जाएंगे, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे जिसका म्यूजिक मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगा और समय रहा तो मैं उसको जरूर सुनूंगा, और वो ज्ञान वहां से ले आके हमारे बच्चों को बताऊंगा कि देखो, ये भी ऐसे भी लोग थे बाहर में जो है अभी भी और बजाते हैं. कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बिना सड़च के, हम लोग तो सड़क पकड़ के, हमारे तो चलिए कुछ होते ना, पेरेंट्स हैं सड़क, लेकिन उन लोगों के सड़क पता ही नहीं सड़क कहाँ है उनका, और फिर भी गाते बजाते हैं, लोगों का मन मोह लेते हैं, और आज दुनिया में बड़े पॉपुलर है वो, और बहुत नाम किया उन लोगों ने. ये कैसे पॉपुलर, ये अभी तक मेरे समझ में नहीं आता.
मैं अगर बैठू स्टेज पे एक फ्रूट लेकर कहीं से भी मैं कोई राग शुरू कर बिना साग के, साग तो पहले जमाना पड़ता, लेकिन उनका कुछ चलन ऐसा है कि उनका कुछ हाथ नहीं पैर नहीं कभी भी दौड़ पड़ते हैं वो लोग, और ऐसा दौड़ते हैं कि दुनिया देखती है उनकी। ये आज तक समझ में नहीं आया और नहीं आएगा, मुझे लगता है इस जीवन में नहीं आएगा। तो वो लोग बड़े विचित्र हैं, तो उनको अगर हम समझें, अगर उनका थोड़ी भाषा को हम अपनाए नहीं समझ लें, वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे बहुत मजा आता है अडॉप्ट करने के लिए। कुछ अलग बात है, जैसे आप कहते हैं फिल्म में, मैं फिल्म में बहुत कुछ सीखा, स्टूडियो में अंदर बंद होकर बहुत कुछ सीखा। इतना सीखा है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर का जैसे चेहरा अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, वैसे उसका म्यूजिक भी अलग है। ये नहीं कि वो खराब है स्वभाव, स्वभाव में खराब है तो म्यूजिक खराब नहीं, उसके में भी कुछ बात है और कुछ सीखने वाली बात है, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो कन्नड़ी हो, कोई भी लैंग्वेज का बंगाली हो, कुछ तो कुछ बात ऐसी है कि सुनते रहते हो, कैसे आई ये जगह, कैसे ये बात आई, कैसे क्या सोचा इसके बारे में, हमें सीखने को। तो अगर हम ये भावना रखें कि हम अच्छी बातें सीख के और हमारे बच्चों को हम दें और कहें कि तुम लोग इसको डेवलप करो अपने हिसाब, कितनी बड़ी बात होती है। मुझे तो बहुत मजा आता है, किसी को कभी इस तरीके से नहीं देखता कि अरे ये क्या बजा रहे, अरे बजा रहे तो उसकी अगर वो सा भी लगा दे तो उसकी जान आ जाती, तो भी लोग कहते हैं वाह। एक Guruji, Shashank ji want to ask something to Guruji. Yeah. Sure, go ahead. I would like to first say something. Yes. The great S.P. Balasubramaniam ji, the great singer, once told me while we were traveling in a flight that he used to come to record to Mumbai and he would see you and Shiv Kumar Sharma ji come to the studio together and always be together. And practicing all the time in a corner of a studio, and as soon as your take came by, you do your take perfectly in one go, and again go back to practice. He was admiring the energy that you had to practice all day. That was something that he wanted me to share with you someday. Thank you. Thank you so much. I mean, the other question I had was, I've always admired the way you, how sweetly you play on the flute. That's of course is universal. Aha. But especially in the recording with John McLaughlin, when the whole Shakti music is predominantly one of fast movements and quite a lot of percussion and faster things, you have brought in some serenity to the whole piece. Unmindful of what they played, just you came in, you played a serene segment and left. It is so beautiful. Thank you. Do you ever think that you had to match their speed, or you just wanted to do what you wanted to? Well, yes, I want, because I was the only ugly people in the studio, and they were so beautiful. So I said, how to make myself beautiful in between? So I thought, let me enter in such a way that my entry should be at least, not my face, my entry should be registered by everybody. So that was my idea, because I am not a very good player, I am still learning. Oh, sir. And, no, believe me, from everybody, because everybody has got so beautiful ideas. The ideas I am talking about. Because I am in Bombay, that's why I wanted to learn everything. When I was in Allahabad, my native place, I didn't want to learn anything. I just wanted to learn something like a screen. Something like Asai, Antara and Fyutan. But here the word is, you know, when I was watching the word, it was very different word. My goodness, I thought, let me, how to enter? So first of all, showing your face, you just show them your entry, how you enter. So that's what, you know, my I was feeling like that in the recording or in playing live. So yeah. Everybody used to love that. That was my habit. That is my habit. Mystical sound and entry and the lalap and blended so beautifully. I mean, it's a very pacey music. So
It was commendable. That's also training goes to film industry. Because how to face microphone. Yeah. Each and every time they used to balance properly all these big names of this recordist engineers. They are really wonderful. Like old songs, if you listen to old songs of Raj Kapoor or some popular director, my goodness. The way there are four microphones, one for artist, one for rhythm, one for violin, and one for soloist. That's but see the sound, my goodness. And nowadays you have 22 tracks, 35 tracks, and 64 tracks. But in fact, after all, it is so difficult to get that kind of sound, that kind of feel, that kind of blow. In fact, I was recently watching your Pahadi, played with Usta Zakir Hussain ji. The microphone is so far, but yes, the sound is so beautiful and communicative. It's amazing. Yeah. That you also, you should understand yourself, because sound engineer might ask you to come closer, but you should also understand that when you are doing, there is some different kind of sound you are getting from inside. It comes from inside. Yeah. That disturbs you. Tuning and very the true, sound. Very true. So you have to understand also with the sound engineer. I was associated with the sound engineer in London, in America, and in India. Beautiful, everything was beautiful, but you have to understand yourself how much weak and which side you are weak. That you have to control. They cannot control. Yes, absolutely. So you should learn that thing also. And flute is such an instrument, you cannot tune it. Yes. You can play properly, but you cannot tune properly. Sometimes madhyam is little high or nishad is little low. But somebody hearing you will not say that. That flute is an imperfect instrument. I know. Yes. Yeah. That is, you know, Indian habits. They love you and so they don't want to... you know, they make you so comfortable, whether you are Besura or anything. They make you comfortable. I tell you that I was enjoying everywhere, wherever I was recording, and the recording also used to enjoy. Sometimes they used to come closer. I said, I will blow like this, you know, sometimes you will get different kind of sound. Yeah. But I want my flute to be sounding the best with all the music. Yeah, so he used to work like that. And they never asked me that you should come closer, do this, do that. Because I used to work in the studio mostly. So I understood little bit. Yeah, I think that sensitivity of how to handle it. How to handle it. This is not my job. This is their job. But you have to understand when you listen, the rehearsal or a short piece of recording, then you understand yourself. Yes, absolutely. This flute doesn't need a loud sound or very soft sound. In between. Guruji, हमारे साथ शशांक जी, please continue. I am done. Thank you. Guruji, हमारे साथ अखिलेश गुंडेचा जी भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने एक सवाल आपके लिए पूछा है. वो पूछते हैं कि पंडित जी, हम आपका कार्यक्रम जब देखते हैं, आप बहुत देर तक आलाप करते हैं तो हमारी समाधि लग जाती है, और कभी कभार हमें ऐसे लगता है जैसे पखवाज या तबला शुरू हो जाता है, ताल शुरू हो जाता है, तो वो ऐसे लगता है डिस्टर्ब हो जाते हैं. वो मतलब वो चाहते हैं कि आपका सिर्फ आलाप ही चले और ताल जब शुरू हो जाए वो थोड़ा डिस्टर्ब. ऐसे कभी कभी होता है, तो आपको भी ऐसा कभी महसूस हुआ है क्या? ऐसे अखिलेश जी पूछ रहे. नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम करने जाता हूँ. जी, मैं लोगों को अटैक म्यूजिकली करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं थोड़ा सा रियाज किया हूँ, पाकिस्तान बजाओ, थोड़ा सा लयकारी करूँ, ये करूँ. इच्छा होती बहुत कुछ करने की, लेकिन जितना कर पाता हूँ उतना ही कर पाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाता हूँ. अखिलेश बाबू बहुत अच्छे इंसान है, पूरा परिवार बहुत अच्छा है. हमारे साथ बजाए हैं, बहुत से कॉन्सर्ट बजाए हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, बड़े गुणी हैं, और मैं उनका सदैव धन्यवाद करूंगा. और बड़ा अच्छा फैमिली है, और मैं चाहता हूँ कि हम जहाँ कहीं भी रहें
और हमारे साथ हम लोग बैठे हैं और बजाए गए हैं, बस और क्या कहूँ। बाकी अच्छा लगता है, आलाप करता हूँ, लेकिन अखिलेश बाबू तो सुन लेंगे, लेकिन दूसरे लोग सो जाएंगे तो क्या होगा। ये होता है ना, तो हमको उठाने के लिए पखावज पखावज लेना ही पड़ता है, ये धा धा दिया तो सब उठ के बैठ गया। नहीं, ये तो बात सही है, और आशा है अखिलेश जी आपको भी गुरुजी के जो जवाब से जवाब आपको पसंद आया होगा। रोनू दादा, आपके लिए एक सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि क्या लाइट म्यूजिक बांसुरी पे ज्यादा टफ होता है, जैसे आपने अच्छा, तो इनका क्वेश्चन ऐसा है कि क्लासिकल, इन शॉर्ट, क्लासिकल इज टफ और लाइट म्यूजिक इज टफ, क्या टफ दोनों में आसान कौन सा है? इनडायरेक्टली उनको पूछना है कि आसान सबसे क्या है। आसान कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है, दोनों में मेहनत और दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीधी सी बात यह है कि लाइट में लाइट या रिकॉर्डिंग हो या फोक हो, उसके बहुत सारे रूप हैं, ठुमरी दादरा, बहुत कुछ है, सेमी क्लासिकल, वेल कटिंग इनटू शॉर्ट लाइट रिकॉर्डिंग में अरेंजर को सेटिस्फाई करना पड़ता है। देयर आर थ्री वेज टू डू इट, वंस द गिवन पीस एंड देन टू एड योर ओन फीलिंग इनटू इट एंड देन मेक हिम एक्सेप्ट व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप चेंजेस कर रहे हैं, मैं एक गाना बजा रहा था, खाली हाथ शाम आई है खाली हाथ जाएगी, आशा जी का लाइव फिल्म सेंटर में जी, तो उसमें पंचमदा खुद ही पीस बना दिए, और वैसे मनोरिदा बासु काका और मनोरिदा बनाते थे जी, मगर वो उस पीस में उस जमाने में पंडित जी तो बहुत बजाए, पंडित जी के सुन सुन के सब आगे बढ़े हम लोग, तो उसमें मेन बात है कि हम उस जमाने में एक शब्द था कोडा, थोड़ा शब्द भी शायद भूल भी गए होंगे लोग, कोड़ा मतलब होता है एंड में जो बसता है जिससे गाना फेड आउट होता है या जो भी हो। जी, तो उसमें उसी टाइम पे दो तीन बार तक गाना फेड आउट हो जाता था। अब आप देखिए खाली हाथ शाम आई, वही मैंने बजाया है एंड में, अब दो तीन बार में सिंगर से कुछ अलग करके भी दिखाना है और वो गाने की आत्मा का भी मेंटेन करना है, शॉर्ट टाइम में कुछ करके दिखाना है और स्केल चेंज करके कुछ चीजें बजाने का ध्यान रखना है जी, रे को सा करना, गा को सा करना। अभी ये देखिए, सातों बार बोले बंसी, अब ये गाना है पड़ोसी का, अभी इसमें एक पीस आएगा, अभी ये धा को सा करके, तो ये सब लाइट म्यूजिक करते करते किस सुर से क्या बज जाएगा इसका ज्ञान होता रहता है, और कॉर्ड का भी नॉलेज होना चाहिए। आप क्लासिकल में तो आप जो सोच के स्टेज पे गए वही बजाएंगे, अब गिवन कॉर्ड में आपको काम करना है। कभी कभी अरेंजर ये भी कहते हैं कि ये चार आठ कॉर्ड मैंने लिख दी, इस पे आप कुछ सोच लीजिए, तब वो एक टफ है। आपको लाइट म्यूजिक में वहाँ बार का भी बंधन होता है, टू प्ले मतलब फोर बार और एट बार, वो जो भी कॉर्ड भी देखना है, सो इट्स कॉर्ड देखना है, इमोशन देखना है। कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं कि नहीं नहीं ये थोड़ा सैड हो जा रहा है, थोड़ा हैप्पी करिए, कभी कभी कुछ डिमांड होता है। तो ये पीस तो धा से ही आएगा, ये सा से तो वैसे आएगा नहीं, अब यहां तक जाके आपका रन चला गया ऊपर के धा तक। अब ये धा तो फॉल्स है, मगर आपको उस जमाने में डबिंग तो थी नहीं, हम लोग जब शुरू तो चैलेंज ये होता था कि थर्ड म्यूजिक में जाके अगर एक मिस्टेक मैंने किया तो सबका लग जाएगा ओवर टाइम, तो उसका प्रेशर अलग कि आपको सही बजाना नहीं तो आपके वजह से सबका ओवर टाइम हो जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं। मेरे हिसाब से तो क्लासिकल में आपके पास समय है, लाइट म्यूजिक में समय नहीं है, और इसलिए लाइट म्यूजिक जो है वो थोड़ा ज्यादा टफ लगता है। और जैसे समय की बात निकली तो हमारे पास भी अभी समय बहुत थोड़ा बचा है। गुरुजी, एक क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज फ्लूट? ये मैं बहुत साल से सोच रहा हूँ।
या तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे, या तो कहते लोग ट्यूटिंग करना पड़ता, सिंपल देखा, सिंपल नहीं है, दिखाई पड़ता है सिंपल, लेकिन जब जो लेगा अपनाएगा बजाएगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि फ्लूट सबसे सबसे खतरनाक और सबसे मेहनत वाला इंस्ट्रूमेंट है। जिस बांसुरी में ट्यूनिंग ना कर सके, सितार में, सरोद में, सब में ट्यून, तानपुरा चार तार को ट्यून करते घंटों लग जाते हैं, लोग ट्यून नहीं कर पाते, बड़े बड़े गुणी लोग, वहां फ्लूट को ट्यून करके सब पर बजाना, जब लेगा तभी मालूम पड़ेगा उसको, जो भी लेगा, जो जो गाने बजाने वाला भी लेगा उसको मालूम पड़ेगा। तो ये किसने बनाया था? हमने नहीं बनाया, आप लोगों ने नहीं बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने बनाया। उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री ऐसी है कि रोज नए चेहरे एक फैमिली में मिलेंगे और फ्लूट भी ऐसा बनेगा कि जो कोई दूसरा को उसकी कॉपी न कर सके, अगर कॉपी करेगा भी थोड़ा अलग रहेगी, उससे नहीं रहेगी, ना वो बैम्बू उस साइज का मिलेगा, ना बैम्बू इतना प्योर होगा, जो बैम्बू आपको पहले से मिला है उस तरीके का बैम्बू नहीं मिलेगा, या तो क्रैक हो जाएगा, टूट के नहीं चला जाएगा। तो हमारा ना हमारा खुद का भरोसा, ना हमारे वाद्य का भरोसा, ये जब तक बजा लीजिए भगवान का आशीर्वाद है, जिस दिन नहीं बजेगा नहीं बजेगा। वाह। और उसको जो स्वर में जिसने बजा लिया कर लिया, तो भगवान ने उसको कहीं बहुत स्पेशल आशीर्वाद दिया होगा, तभी बजा सकता है। वाह गुरुजी। और एक सवाल है, ये बहुत सारे लोगों का सवाल है एक्चुअली, डेली कितने आवर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ऐसे सवाल है। डिपेंड करता है कि आपको पास कितना समय है, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, उसके बाद क्या आपके कार्यक्रम होते हैं, आपका समय कैसे बच्चों को पढ़ाने में जाता है, या पत्नी को कुछ हेल्प करने में जाता है, या घर का कुछ ऐसा काम होता है जिसमें ड्यूटी आपको बहुत जल्दी ज्वाइन करनी है, या आप रेलवे में है कि सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन को पकड़नी है और काम करना है, डिपेंड करता है। जब भी आपके पास समय मिले, अपने मूड को म्यूजिकल बनाइए और बैठ जाइए और रियाज करिए, वो चाहे 1 घंटा हो चाहे 8 घंटा हो, प्रेम से करिए, भगवान से आपको उसका फल मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत ही अच्छा जवाब आपने गुरु जी दिया। बहुत सुंदर। अभी हम लोग अभी अभी एंड की तरफ जा रहे हैं, सो हम लास्ट में मैं और एक पोल लेना चाहता हूँ और एक सवाल पूछना चाहता हूँ लिसनर्स को। सो आप लोगों में से कितने लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया है? हैव यू एवर अटेंडेड अ रिगरस फ्लूट वर्कशॉप? यस और नो में आपको उसका जवाब देना है। मैं अभी एंड में शशांक जी और रुनु दादा, I request both of you to play a short tune so that, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो बहुत सारे लोग वही क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज रहे हैं कि वो आप लोगों का एक छोटा छोटा एक दो दो मिनट का भी कुछ आप सुना देंगे तो लोग और मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगा। So, शशांक जी। yeah. Yeah, but I just want to... Where is my screen? I just want to add one thing to... Yeah, please, Shashank ji. I think we... inspired by the North Indian flute tradition, where... Yeah, I forgot to ask you one question. So, what have you borrowed from Hindustani classical music? Because you have learnt so many things from Pandit Jasraj ji, and so generally Hindustani music is an essential knowledge for many Carnatic musicians. I think after learning from it, there have been a few South Indian artists who have learnt Hindustani music. It teaches you a broader outlook of music, how to approach alap playing in a more spaced out manner, and there are also improvisation wise many very many presentational aspects which are fantastic in Hindustani music, and vice versa, the Carnatic music has also been of a lot of inspiration for many Hindustani musicians. So but coming to that inspiration from Hindustani music, I would like to add here that I've been working on
these instruments from a long time, where it was always the complaint of many North Indian music lovers and especially flute music lovers, because they were always used to hearing Hariji and you know, the sweet tone of a bass flute. So especially when I played in North India, people used to come and tell me, please play in bass flute Carnatic music. It was a very hard thing until even 6 months ago, because the fingers were so spread out, we couldn't make an 8-hole flute. Now, I'm very, very happy to say that we have achieved that beautifully. You see, here I'm playing in E. This is a Hindustani E flute, actually. Oh, yes. Because I play in 2-hole sa. Okay. So now I'm able to cover all the 4 holes on the right hand. This is customized Carnatic flute in Hindustani style. Yeah, well, it is a E Hindustani flute, but okay. You see, now I'm able to play all the 7 holes just like in Carnatic tradition. So I have adopted this. I will also show you one more. Yeah, please. So it is beautiful to even hear the Carnatic gamakas on it. So this is one major thing that I would like to present to the flute music lovers. Rock called Sarmati. Especially even when you're playing faster movements like in Carnatic music, like a I'm able to very comfortably play in a E bass flute. So this is one I should definitely say I was so inspired by Guruji. To play the bass flutes, and I would like to just one before we conclude, I would like to show another bass flute. This is the C bass, a C sharp bass. Okay, so in even this flute, I'm comfortably able to play all the 7 holes, you see.
So all the typical movements of the bass. So before you conclude, Shashankji, there is one question. It is how to effectively play or practice slow practice kirtanams / Carnatic songs. For example, Dikshithar Kritis. Any composition in Carnatic music, please learn vocal music and learn to sing, because especially Dikshithar's compositions are full of rich lyrics. So the accents will be very wrong if you don't learn it to sing first. So one example I would like to so supposing if I sing one phrase from even a Tyagaraja composition, like Sa Re Ga Pa Da Sa Da Ba Ga Re Sa, we call this Mohanam. It is same as Bhupali. So if I play the composition, this is just the notes. But if I sing that for you, how it should sound? So Surapati Nila Mani Nibatanu. This is the actual way it is sung. So so it is important to learn Carnatic compositions by vocal, so you pronounce all the words and accents right. Okay. रोनू दादा, एक सिमिलर एक क्वेश्चन है, क्या गाना सीखना जरूरी होता है बांसुरी सीखने के लिए? और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, एक जो भ्रम है कि गाना जो गाते हैं गायक लोग यदि बांसुरी की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी आवाज खराब हो जाती है, तो उसके बारे में दो आपके क्या राय है इन दोनों के बारे में? दोनों के बारे में थोड़ा मिथ है, क्योंकि मैंने, आपको मालूम है कि मैंने बंगाली फिल्म में गाया और वो जो गाना सचिन देवर्मन स्टाइल में मैंने गाया वो पॉपुलर हुआ नदी की बेटी सुंदरी फिल्म में, उसमें म्यूजिक भी मेरा था। दूसरी बात, ये तो हुआ। और गाना सीखने जरूरी है कि नहीं? उत्तम गाना मध्यम बजाना, जो आप गाना सीखे ना सीखे गाना सोचना तो पड़ेगा ही। अरे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने महादेव प्रसाद मिश्रा जी की बात से शुरुआत की थी जी। सभी लोग पंडित जी, तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से, ठुमरी सम्राट कहते थे उनको, रामापुरा में बनारस में रहते थे। अभी एक लाइन देखिए आप, रंग गिरा धारे रे मो पे डोना, रंग गिरा धारे रे मो पे डो। जब बोल बांट बनेगा तो जितना बोल बांट बोलते हैं हम लोग, तो जितना आप गाना सोचेंगे उतना उसमें आनंद होगा। गाना सीखने से अच्छा होता है, कुछ एक्सप्रेशन संपूर्ण हो जाते हैं जी। यही लाइन जो आपने जो गाया वही लाइन आप बांसुरी पे भी सेम बजा के दिखाएंगे तो बहुत जरूर, पंडित से आज्ञा लेते हुए। वो तो वो इस चीज से सब, वो हम लोगों को उनको देख के हम लोगों ने किया है, वहीं रहे देखे सब, उनको मालूम है। और देखिए इसका रंग, बनारसी रंग देखिए। Oh
वो बोलते थे धोनी खमाज में कैसे लगे, उसका अंदाज देखिए, धोनी मतलब जान निकल जाना चाहिए। गाने का अंदाज है जैसे गिरजा बुआ सब हम लोग बनारस में जो सुनते आए, सिचम चाचा, सिद्धेश्वरी देवी जी, पंडित जी। तो मतलब गाना सीखना जरूरी है, जरूरी मुझे तो लगता है। मैं लक्ष्मण प्रसाद जी से इतनी चीजें मिली कुंवर श्याम गोसाई घराने की, जब मैं सावित्री में पहला, अच्छा मैं एक चीज आप लोग पता नहीं कब सेशन बंद कर देंगे, अभी दो चार मिनट में हम वो इसीलिए मैं जल्दी से कहना चाहता हूँ। आप मुझे साउंड चेक में पूछ रहे थे, अभी भूल गए आप, कोई बात नहीं, आपको भगवान बहुत पुण्य देगा क्योंकि ये इस सफर में आप याद किए जाएंगे अपने कर्मों की वजह से। देखिए आप बोल रहे थे कि आप पंडित जी को कैसे देखते हैं, मैं ये कहूंगा, मैं ये आप इसका जवाब एंड में दीजिए क्योंकि ये वाक्य जो है ये अच्छा आपने मुझे बताया था, आप भूल ये सब्जेक्ट जो है, नहीं वो तो मैं पूछने वाला हूँ आपको, देखिए ये जवाब उसके ऊपर मैं फिर से फिर से आने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको सवाल खुद यहाँ जवाब हो गया, जवाब कुछ बड़ा आनंद हो रहा है, इस आनंद से संगीत बन रहा है। संगीत कैसे बनता है, एक गीत क्यों नहीं कहते इसको, क्योंकि ये गीत ही सब संग में मिलके गा, मैं कविताएं भी थोड़ा करता रहता हूँ, तो पंडित जी हम लोग हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम, जी सुना तो होगा आपने ये, वाह, तो ये बांसुरी कुटुंबकम, बांसुरी के कुटुंब को पंडित जी अपना कुटुंब मानते हैं, और जो भी जाए, जो शिष्य हो गाने वाला हो, मैं गया तो घर में महादेव की पंडित जी बैठी हुई थी, अब वो बांसुरी तो बजाती नहीं है, तो वो भी परिवार की हो गई, हम भी परिवार के हो गए, हमारे पिताजी को इतना प्यार करते थे, बड़ा भाई मानते थे, तो ये जो उनकी जो ये कैसे वृक्ष हैं जिसमें सबको छाया मिलती रहे और सबको आनंद, वो गंगा गंगा जल की पानी होता है ना, जो नहाएगा उसको शीतलता मिलती है और पवित्रता, नहीं नहाए तो फिर आपका नसीब में नहीं, तो जो नहाएंगे उनको पवित्रता मिलेगी, तो ये मुझे कहना था। ये बहुत अच्छा, मतलब ये जो है कि गुरुजी को आप पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को किस नजर से देखते हैं, तो इसका आपने बहुत ही अच्छा आपने इसका विवेचन किया है, या एक दृष्टि जो दृष्टि से आप गुरुजी को देखते हैं, और बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया कि गंगा, गंगा की उपमा दी, गंगा में जो नहाए, वाह, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, आप नहाए तो आपको शीतलता मिलेगी, नहीं नहाएंगे तो फिर आप ही वंचित रह जाएंगे, तो नहा लीजिए तो अच्छा है। और मुझे याद है आप कई बोले भी थे कि गुरुजी यानी पितामह भीष्म है, हाँ वेणुनाद में, बहुत अच्छा किया आप गुरुजी को लेके आए थे, गुरुजी एयरपोर्ट में उतरे थे, आप लेके अपना आए थे, क्योंकि वेणुनाद पूर्ण कैसे होगा अगर भीष्म पितामह नहीं होंगे, तो वहां पे 1,00,000 की पब्लिक वो कुंभ क्षेत्र में थी, तो मैंने कहा कि आध्यात्म के गुरु हैं, बांसुरी के गुरु हैं, तो मैं इनको भीष्म पितामह कहना चाहता हूँ आज, तो ये मैं क्योंकि कविताएं लिखता रहा हूँ हिंदी में बचपन से, और बांसुरी से ज्यादा अवार्ड कविताओं में मुझे मिलते रहे हैं, तो कविताएं गुरुजी पे भी मैं लिखता रहा हूँ और लिखूंगा, और मैंने वो भीष्म पितामह जरूर कहा, और उससे भी बड़े हैं वो। शशांक जी, yeah, I just wanted to, before you go on, I just wanted to add to what Ravnu ji also said. See, the question was whether to learn vocal. See, I think as instrumentalists, it is very good if you can learn vocal music and also bring in the best that your instrument can bring out. Super. So that is one thing I have really absorbed from a lot of instrumentalists, where I have imbibed their playing styles also
and try to best combine that with vocal music presentation, so which is a very valid and essential thing to do. Thank you. I'll just take 30 seconds very quickly. Please. We will never get this stage maybe very, very quickly. हम लोग पंडित जी मैं और कभी क्योंकि क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग में इतने फ्लूटिस्ट तो उस वक्त थे नहीं, तो हमें चांस मिल जाता था पंडित जी के सानिध्य में बैठने का, तो बड़े दुखी से बोले कि आज मेरा फ्लूट टूट गया है. कौन सा? सोलो वाला ई का फ्लूट, आप सोचिए. तो मैं दुखी तो हुआ, मैंने कहा कि मैं कल घर आऊंगा. बोले ठीक है, जल्दी आना, मुझे फ्लाइट है मेरी. तो आप मानेंगे नहीं, अब खाल डांडा में घर में अपना देबू प्रसाद बैनर्जी गुजर गए, देबू काका. वो चारूचंद्र कॉलेज कलकत्ता में रहते थे, वो हमारे गुरु समान थे. तो खैर साहब वो पन्ना बाबू के बड़े सीनियर शागिर्द थे, तो वो फ्लूट भी बहुत अच्छी बनाते थे. उनका एक ई था जिसमें से चंदन की खुशबू आती थी. और खैर वो बताना, तो गुरुजी ने मुझे बताया. तो मैं सुबह पहुंच गया 8 बजे, और वो छोटा सा एक टेबल सावित्री में था, उसमें बैठ के पूरी का नाश्ता चल रहा था. तो मैंने वो फ्लूट हाथ में दे दी. मैंने कहा मेरे तरफ से सेवा आप स्वीकार करें. तो खा रहे थे तो मैंने कहा बजा के देख ली. बोले नहीं, तुम प्रेम से लाए हो, ये जरूर अच्छा बजेगा. अब वो पिच होता है बांसुरी में, एवरीवन हैज टू चेक देयर पिच एंड यू नो टू सेट विद देयर ब्लोइंग प्रेशर एंड यू नो मेनी थिंग्स अटैच्ड टू द सब्जेक्ट. एंड यू वोंट बिलीव, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे तब विवेक, शशांक भाई, दिस इज सो इमोशनल. मैं बता रहा हूँ आपको. तो पंडित जी प्लेड द फर्स्ट कॉन्सर्ट एंड देन आई टोल्ड मी, मैंने उसी में बजा दिया. बोले बड़ा अच्छा बजा, चंदन की खुशबू आ रही थी. मैंने कहा हाँ, वो चंदन अप्लाई करते थे, चंदन का लेप बना के. बोले बड़ा आनंद आया. तो वो बांसुरी जो भी इनके हाथ में होती थी उसको प्रेम से बजाते थे और उसमें सुर निकल आता था. वाह, ये मुझे एक घटना याद आ गई. क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी मेमोरी है. गुरु जी हम अभी अभी हम एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पूछा था सब लोगों को कि आप में से कितने लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया है. तो उसमें से 24.8% लोगों ने कहा है कि उन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया है, और 75.2% लोगों ने कहा है उन्होंने अभी तक वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है. इसके बारे में हम अभी अगली बार बात करेंगे गुरुजी. हम कंक्लूड करना चाहते हैं आपके स्टेटमेंट से, आपका आपके संदेश से. यहाँ उपस्थित सारे जो लिसनर्स है, रोनू दादा है, शशांक भाई है, मैं हूँ, और सारे जो म्यूजिक के प्रेमी है, उनके लिए आपका संदेश, और उसके बाद हम ये आज का चैप्टर 2 यहाँ खत्म करेंगे. बस मैं अपने दिल से, तहे दिल से सभी को प्रार्थना करूंगा कि अगर हम संगीत की दुनिया में खोए रहे, और खासकर हमारे जो भाई बंसुरी बजाते हैं, बांसुरी का योग करते हैं अपने साथ में, बहनें जो भी बांसुरी बजाती हैं, हम सब अगर मिलके इसी तरीके से दुनिया को संदेश बांसुरी के हमारे बाद के बारे में पहुंचाते रहें, भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमारे पीछे उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा, और बांसुरी इस दुनिया में एक बार जो होगा जिससे दर्शन करने लोग आएंगे, और दर्शन अपने. मैं चाहूंगा कि हम लोग बहुत मेहनत करें, और आप भी बहुत मेहनत करते हैं विवेक बाबू, आप भी. आपके आशीर्वाद है, हमारे दिल की बातें दुनिया तक पहुंचाते रहें, और सब आपको बांसुरी वादक सभी आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही अच्छा होगा, एक दुनिया अलग हो जाएगी. वाह वाह, थैंक यू थैंक यू. हम गाने से पहले प्रणाम कह लेते हैं हम सब गुरुजी के चरणों में, और ये आज का दिन बड़ा बहुत आध्यात्मिक रहा. हम सब भाग्यवान हैं कि उनके चरणों में बैठ के दो बातें की. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू गुरुजी प्रणाम. थैंक यू गुरुजी एंड विवेक जी, रोनू जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ. बहुत जल्दी मिलेंगे. थैंक यू थैंक यू. नमस्कार नमस्कार नमस्कार.